तो SHM के अंदर सबसे पहले स्टार्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कोई भी मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगी इज अ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन, जब दो पॉइंट्स के बीच में एक पार्टिकल मूव करता है, ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो, ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन वो पीरियोडिक मोशन है जो साइन और कॉस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। साइन और कॉस यानी कि हार्मोनिक, बस ये याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पूछेगा क्या ये पीरियोडिक है, हाँ ये पीरियोडिक है, रिपीट हो रहा है। क्या ये हार्मोनिक है, हाँ ये हार्मोनिक है क्योंकि साइन फंक्शन है। क्या ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। क्या ये हार्मोनिक है, हाँ ये हार्मोनिक है क्योंकि कॉस फंक्शन है। क्या ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। क्या ये हार्मोनिक है, नहीं क्योंकि ये साइन को नहीं फॉलो कर रहा, ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है, साइन स्क्वायर का है ना, जिसका भी है, कम से कम हार्मोनिक तो नहीं है, साइन का तो नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है पर ये हार्मोनिक नहीं है क्योंकि साइन कॉस नहीं है। क्या ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है। क्या ये साइन है, नहीं साइन नहीं है, कटा हुआ है बीच में से, तो ये सिर्फ पीरियोडिक है, ये हार्मोनिक नहीं है। तो क्या ये पीरियोडिक है, हाँ साइन कॉस जिसमें आएगा ये पीरियोडिक है। क्या ये पीरियोडिक है, हाँ ये पीरियोडिक है, साइन कॉस जितने मर्जी ऐड या सबट्रैक्ट करते जाओ सब पीरियोडिक है। नेक्स्ट है, क्या ये पीरियोडिक है, ना ये पीरियोडिक नहीं है। क्या ये पीरियोडिक है, ना ये भी पीरियोडिक नहीं है, एक्सपोनेंशियल और लॉग पीरियोडिक नहीं होते। अगर मैं ये पूछूं अगर कोई फंक्शन साइन ओमेगा टी है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, 2π/ω आंसर, ठीक। या कैपिटल टी होगा, बात खत्म, ऐसे ऐसे लिख दें इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी होगा, बात खत्म हो गई। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अगर ये फंक्शन है तो आप अपने मन में लिखें कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी, तो ओमेगा डैश का मतलब यहाँ पर क्या है, 2ω। ओमेगा डैश क्या होता है, 2π/t इज इक्वल टू 2 × ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2π/t, 2π से 2π कैंसिल, तो टी डैश इज इक्वल टू T/2 इज आंसर। जैसे अगर मान लो ये पूछ ले कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो आप बोलेंगे इसकी जगह मान लें ओमेगा डैश टी, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू 4 × ओमेगा। ओमेगा डैश 2π/t इज इक्वल टू 4 × ओमेगा का मतलब 2π/t, तो 2π से 2π कैंसिल, तो टी डैश की वैल्यू क्या आ गई, T/4 इज द आंसर, ठीक है यहाँ तक। तो ऐसे इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है, कोई भी पीरियोडिक मोशन है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम है, चाहे वो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, जो स्प्रिंग मास सिस्टम है कोई मीन पोजिशन स्टार्ट होता है एक्सट्रीम वन पे जाता है, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, ऐसे मूव करता है, तो ये T/4 जाने का, T/4 आने का, T/4 जाने का, T/4 आने में एक चक्कर पूरा हो गया टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो किसी भी पीरियोडिक मोशन को कंपेयर किया जा सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करो। तो अगर कोई चाहे पेंडुलम ले लो, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर, इधर से जा रहा है, तो T/4, T/4, T/4 एंड T/4, तो टोटल टाइम पीरियड T/4। तो आप इसे कंपेयर करें विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कुछ ऐसे, जिसमें आपके पास क्या है, इसमें जैसे एक पेंडुलम है, अगर वो मीन से स्टार्ट होता है पेंडुलम, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या काउंट होती है, जीरो। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर वो कहाँ पे जाता है, अपने एक्सट्रीम पे जाता है, यहाँ पे जाता है। एक्सट्रीम पे जाने का मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ाता बढ़ाता वन, ये एक्सट्रीम पे जाता है, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, वन, फिर डिक्रीज होता 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 वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, वापस आता है, और फिर करता 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 दूसरे एक्सट्रीम पे आता है और फिर वापस आता है। तो जैसे ये T/4, 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 तो यानी कि पेंडुलम यहाँ पे है तो यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वापस आ गया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो यहाँ आ गया, और वापस आ गया तो मतलब यहाँ पे वापस आ गया। तो ऐसे आपने कंपेयर करना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड वन ही हो, एम्पलीट्यूड ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर एम्पलीट्यूड वन है तो आप सर्कल में जो रेडियस है वो मान लेंगे, अगर एम्पलीट्यूड ए है तो आप ए लेंगे, तो ये आप रूल बनाएंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? तो ये टर्म है, जैसे अगर आपके पास एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मोशन हो रही है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू इसमें जैसे 5 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, ये 5 आएगी। अगर आपका कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन में है या पीरियोडिकली मूव कर रहा है, आप उसे कंपेयर करते हैं विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कि अभी डिस्कस किया, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट पर मान लो एट टाइम टी सेकेंड पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसकी किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिया जाएगा, ये वाई है, ये ए है, और सर्कुलर मोशन के सेंटर पे एंगल हमेशा क्या लेते हैं, ओमेगा टी, इसको फेज बोलते हैं। तो ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इज वाई बाई ए, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो याद रखना है आपने वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर आपका पेंडुलम, जैसे मान लो क्वेश्चन है एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल T/6 पे,
वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 6 अगर पुट करेंगे, ओमेगा 2 पाई बाय टी है, यहाँ से सॉल्व करके वाई कैन बी कैलकुलेटेड। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको टाइम पे किसी भी टाइम पे अगर आपको वाई निकालना है तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, आप इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। लेकिन रूल ये है कि ये इक्वेशन तभी यूज हो सकती है जब आपका पेंडुलम या कोई भी बॉडी पीरियडिक वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अगर वो मीन से स्टार्ट होती है फिर ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, अगर वो मीन से नहीं स्टार्ट होती, मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट यहाँ से नहीं हो रही, यहाँ से हो रही है, थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रही है, तो सर्कल में वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल फेज फाइव बोलते हैं, फाइव एंगल आगे से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद तो सर्कल का एंगल बाई डिफॉल्ट ओमेगा टी होगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा, वाई बाई ए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यानी कि जिन इक्वेशन में इनिशियल फेज फाइव गिवन होता है उनमें बॉडीज मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं होती, थोड़ी आगे से स्टार्ट होती है, और जिनमें फाइव जीरो होता है वो मीन से स्टार्ट होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ए साइन ओमेगा टी, इनिशियल फेज होगा ही नहीं, लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सर्कल के अंदर अगर हम इसे इमेजिन करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर हम ये मानते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा स्टार्ट तो ये रहता है, तो इस स्टार्ट पोजीशन से वो कितना एंगल आगे स्टार्ट हो रहा है, पाई बाय टू, तो फाइव की वैल्यू कितनी है इसमें, पाई बाय टू, तो आंसर आएगा ए कॉस ओमेगा टी। जैसे अगर वो उल्टा स्टार्ट हो रहा है, उल्टा का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फाइव क्या होगा, पाई, तो पाई पुट कर देंगे। तो अब सीधा याद कर लो, अगर पेंडुलम मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट तो ए साइन ओमेगा टी, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है ए कॉस ओमेगा टी, अगर मीन से लेफ्ट स्टार्ट हो रहा है माइनस ए साइन ओमेगा टी, और अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है यहाँ तक? तो अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे एम्पलीट्यूड पूछे तो एम्पलीट्यूड थ्री है। अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है, एम्पलीट्यूड क्या है इसमें, थ्री है, इनिशियल फेज क्या है इसमें, पाई बाय सिक्स है। अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स में हमने किया, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ना थ्री ना फोर, एक साइन है एक कॉस है, तो क्या सिखाया था, साइन और कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इनको ऐड कर सकते हैं। साइन और कॉस में वैसे ही फेज डिफरेंस 90 होता है, तो अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर क्या जाएगा, फाइव। लेकिन अगर मान लो ऐसी इक्वेशन गिवन है, इसमें एक कॉस ओमेगा टी है, एक कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय सिक्स है, कॉस का एंगल ओमेगा टी, कॉस का एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाय सिक्स, तो फेज डिफरेंस इनमें क्या है, क्योंकि दोनों कॉस कॉस हैं, तो इसमें से इसको एंगल माइनस करेंगे पाई बाय सिक्स, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स। तो फेज डिफरेंस निकालना है दोनों फंक्शन का जो भी होगा, यहाँ से आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप इसे डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आएगा, आप प्लीज एक तो ये इक्वेशन नोट करें वाई का और वेलोसिटी का ये इक्वेशन नोट करें, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, किसी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कॉस थीटा की वैल्यू वन पुट करनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू इसमें क्या आएगी, ए ओमेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ए ओमेगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है यहां तक? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गई, ए ओमेगा। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नोट करो, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। यहाँ तक भी ठीक है? नेक्स्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है? नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, इसको डिफरेंशिएट किया, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला नोट करें, और यही इक्वेशन है एसएचएम की भी, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस साइन का मतलब कि जिन पीरियोडिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्सेज होती हैं वो एसएचएम होती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन हैं जिनमें रिस्टोरिंग फोर्सेज होना जरूरी है, तो ए प्रोपोर्शनल टू वाई विद नेगेटिव साइन, यानी कि एसएचएम की इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्सेलेरेशन वैसे होती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, अगर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन पूछें साइन थीटा की वैल्यू वन पुट करेंगे तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड जरूर नोट कर लें, ए ओमेगा स्क्वायर इज दी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड, ए ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का।
ठीक है, नेक्स्ट है ए माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एस एच एम की इक्वेशन है, इसको लेफ्ट की तरफ ले जाओ, एक्सलेशन डबल डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एस एच एम की नोट कर ले, डिफरेंशियल इक्वेशन एस एच एम की ठीक है, तो इक्वेशन नोट करें। नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्सलेशन हो गई, एनर्जी लिखें, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पर फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओ वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक का नोट करें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पक्का न्यूमेरिकल आएगा काइनेटिक और पोटेंशियल के ऊपर, तो फॉर्मूला नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो टोटल में दोनों को ऐड करें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो ये मैथ्स वाले लोग जानते हैं वाई का फॉर्मूला जो होता है ए साइन ओमेगा टी है, और अगर मैं इसको यहां पुट करूं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा टी, तो पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अगर आप मैथ्स वालों को आते हैं आप मार्क करेंगे, वहां से मैं दिखाता हूँ मेडिकल वालों को क्या होता है। ऐसे ही यहाँ पे काइनेटिक में अगर वाई को पुट करूं ए साइन ओमेगा टी, तो सबको पता है कि यहां से पुट करने पे क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ किसके साथ कॉरस्पॉन्ड करेगा कॉस स्क्वायर, तो ये ग्राफ मार्कर करने को आएगा, ये रहा डार्क वाला काइनेटिक एनर्जी है साइन स्क्वायर और डॉटेड वाला कॉस स्क्वायर, ये काइनेटिक और पोटेंशियल की कर्व्स हैं, कैसे बना समझ में आ रहा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी है ब्लैक कलर की विच इज सम ऑफ टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल जो कि कॉन्स्टेंट ही रहेगी, ठीक है यहाँ तक। लेकिन आपको कभी कभी इसका ना एक पार्ट मार्क करने को आता है, इसकी जगह ना छोटा सा कर्व ऐसे बन जाता है, एक ही बात है यहाँ से निकाल के ऐसे बनाया हुआ है काइनेटिक एंड पोटेंशियल का ये कर्व है, एक ही बात है, ठीक है। कई लोग ये याद रख लेते हैं ये पहचान नहीं पाते, वैसे ऐसे भी याद कर सकते हो, एक्सट्रीम पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जीरो, और मेन पोजीशन पे काइनेटिक क्या है मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्स है और एक्सट्रीम मेन पे पोटेंशियल जीरो है, ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड वाई इज इक्वल टू ए बाई टू, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल, तो डिस्प्लेसमेंट हाफ द एम्पलीट्यूड का मतलब वाई इज इक्वल टू ए बाई टू, तो टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, काइनेटिक का ये फॉर्मूला है, वाई की जगह ए बाई टू पुट करेंगे तो काइनेटिक आएगी, फ्रैक्शन निकाल लो ना काइनेटिक बाई टोटल आंसर, और अगर ये काइनेटिक की फ्रैक्शन है तो पोटेंशियल की फ्रैक्शन वन में से थ्री बाई फोर माइनस किया तो आंसर वन बाई फोर, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है एक पार्टिकल एस एच एम है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, एट वॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन काइनेटिक हाफ काइनेटिक है हाफ पोटेंशियल है, तो इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल है, तो ये काइनेटिक है ये पोटेंशियल है, इन्हें इक्वेट करके आंसर आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू, ठीक है इक्वेट ही करना है इसमें। नेक्स्ट है अगर बॉडी स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड नोट करें 2 पाई रूट एम बाई के, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है SHM के अंदर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और ओमेगा का फॉर्मूला नोट करें, ओमेगा क्या होता है अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है ओमेगा आ गया टाइम पीरियड का आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है
स्प्रिंग मास सिस्टम के बाद स्प्रिंग टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट एल बाई जी तो पता ही है। नेक्स्ट है अगर एक लिक्विड है, लिक्विड कॉलम है एच हाइट का, आपने पुश करके छोड़ दिया, एस एच एम में टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में हाइट एच थी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला नोट करें, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर एक टनल डिक कर दें और एक डायमीटर के अक्रॉस एक टनल डिक की और एक बॉल को घेर दें, तो वो बॉल जो है वो इस ओरिजिन के आसपास क्या करेगी, एस एच एम में मूव करेगी, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर बाई जी। अगर एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम में, एच हाइट उसकी पानी में है, आपने टच करके छोड़ दिया, एस एच एम मूव करेगा, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी सेम, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी सेम। इसका फॉर्मूला याद करने का फायदा नहीं है नेक ऑफ दी है, क्योंकि ये तो सीधा क्वेश्चन एस एच एम का वैसे ही आएगा, होगा नहीं फॉर्मूले से सॉल्व, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक सेकेंड पेंडुलम क्या होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, उसको सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं। या अगर पेपर में आ जाए लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड्स, टिक सेकेंड का मतलब उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, 1 सेकेंड नहीं है 2 सेकेंड है, तो कैपिटल टी 2 सेकेंड लेना है, तो उसकी लेंथ निकाल देनी है आंसर। नेक्स्ट है अगर एक पेंडुलम को हम एक लिफ्ट में या कैरेज में लेके जाएं, अगर वो कैरेज कहाँ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, नहीं जी प्लस ए। लिफ्ट अगर नीचे आ रही है एक्सेलरेट करती हुई, तो एल इंटू जी माइनस ए करेंगे, और अगर वो लिफ्ट कहाँ जा रही है, वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, कैरेज लेफ्ट जा रहा है, तो पेंडुलम पीछे हो जाएगा, सूडो फोर्स क्या लगेगी, एक एक्सेलरेशन क्या लगेगी, 4 इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या है जी, ये क्या है 4, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अगर ये दो स्प्रिंग्स ऐसे हैं तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में हैं, तो क्या आएगा के प्लस के 2k, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है के 1 प्लस के 2, सीरीज में क्या होता है 1 बाई के डैश इज 1 बाई के 1 प्लस 1 बाई के 2, तो इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 2k। इसका क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k एंड k सीरीज में है, तो 1 बाई के डैश इज 1 बाई के प्लस 1 बाई के बाई 2। और ऐसे ये याद रखना, ये पैरल कॉम्बिनेशन है, स्प्रिंग ब्लॉक स्प्रिंग पैरल है, तो पैरल में 2k, ये बहुत बार आता है आखिरी वाला केस। ठीक है, तो पैरल कॉम्बिनेशन क्लियर है यहाँ तक। ठीक, नेक्स्ट है अगर ये वाला इसका टाइम पीरियड निकालना हो, तो ये दो स्प्रिंग किस में कनेक्टेड है, इन पैरल भी कराया, स्प्रिंग मास स्प्रिंग लगे हो तो पैरल, तो आंसर क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई 2k। किसमें कनेक्टेड है स्प्रिंग, सीरीज में, ये रोल नहीं कर रहा, ये स्लाइड कर रहा है, रोलिंग में क्वेश्चन ही सेम अलग हो जाएगा, ये स्लाइड कर रहा है, तो ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई 2k, ना 2k नहीं, ks, ks का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर 1 बाई ks क्या होगा, 1 बाई के प्लस 1 बाई के, तो k बाई 2 हो जाएगा बेसिकली। ठीक, याद रखना है।
ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक इक्वेशन अब SHM है, इसको इसमें से एम्पलीट्यूड बोलो क्या है, 10 एम्पलीट्यूड है, ओमेगा बोलो क्या है, ओमेगा टी में ओमेगा 20 है, ओमेगा है तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ये तो AC का क्वेश्चन है सेम, और फाई की वैल्यू क्या है 0.5 रेडियन, इनिशियल फेज है, AC वाला सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अगर SHM की ये इक्वेशन है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल 1 सेंटीमीटर है एंड इनिशियल वेलोसिटी पाई है, तो फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फाई, और आपको ओमेगा क्वेश्चन में पाई गिवन है, तो ये इक्वेशन लिखें, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो आप समय को 0 पुट करें और डिस्प्लेसमेंट इसमें 1 पुट करें, इक्वेशन नंबर 1। फिर वो कह रहा है कि वेलोसिटी इनिशियल पाई है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी पाई है, तो आप इस डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करें, तो वेलोसिटी निकाल लें, वेलोसिटी की वैल्यू पाई पुट करें जब टाइम क्या है जीरो, तो ये एक इक्वेशन आएगी या दूसरी आएगी, इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दें, स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी, और आप इन्हें डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो टेन फाइ इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, वहां से फाइ कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये टेक्निक है। इस क्वेश्चन को देख लें, SHM के अंदर एम्पलीट्यूड 25 है, टाइम पीरियड 3 सेकेंड है, फाइंड मिनिमम टाइम फॉर अ पार्टिकल टू मूव बिटवीन टू पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, तो ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर ऑन द आइदर साइड, तो 12.5, तो यहाँ से यहाँ आने का क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो एक काम करते हैं हम ना यहाँ से यहाँ आने का टाइम निकालते हैं, बस डबल कर देंगे उसके बाद, फिर हम डबल कर देंगे, तो मेन पोजीशन से 12.5 का टाइम निकालने के लिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, y की जगह 12.5, a पता है ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल t, तो यहाँ सॉल्व करके साइन ऑफ थीटा हाफ है, तो थीटा क्या होगा पाई बाय 6, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई, कैपिटल t तो गिवन ही है, तो ये टाइम आ गया ऑन द आइदर साइड, हमें तो इधर और इधर दोनों का टाइम निकालना है, इसको डबल से मल्टीप्लाई करके आंसर, तो समझ में आ रहा है कि 12.5 सेंटीमीटर अगर जाना है तो कैसे टाइम निकलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। SHM के अंदर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, y1 y2 डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जब v1 v2 वेलोसिटीज हैं, तो आपको टाइम पीरियड बताना है क्या होगा, तो इसके अंदर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, जब डिस्प्लेसमेंट y1 है तो वेलोसिटी v1 है, y2 है तो v2 है, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया तो v2 है, तो ये y2 है, इन दोनों को माइनस कर दिया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा आ गया, ओमेगा क्या है 2π/t, तो यहाँ से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन SHM के अंदर अल्फा है, मैक्सिमम वेलोसिटी SHM के अंदर बीटा है, तो एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड निकाल लें, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए ओमेगा स्क्वायर है जो कि अल्फा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा जो कि बीटा है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, ये थर्ड है ये फर्स्ट इक्वेशन है, इन्हें डिवाइड कर देते हैं 3/2 करेंगे, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा आपके पास की टर्म आ जाएगी, ए आ गया। फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, तो ए से ए कैंसिल, तो क्या बच गया ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2π/t, यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, ठीक है यहाँ तक। ये सेम क्वेश्चन है, एक बार देखें जरा प्लीज, अभी किया था ऐसा,
टॉर्क एंड एप्लीकेशंस में टॉर्क का फॉर्मूला बताएं, तो किया हमने ये कि जब वेलोसिटी 4 है तो डिस्प्लेसमेंट 3 है, जब वेलोसिटी 3 है तो डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो लगाओ ना ये फॉर्मूला, जब वेलोसिटी 4 है डिस्प्लेसमेंट 3 है, जब 3 है तो ये 4 है, इनको स्क्वेयरिंग करके माइनस करके ओमेगा और ए कैन बी कैलकुलेटेड, एक आंसर आ गया। फिर आपको निकालना है कि बताओ कितना समय लगेगा ये पार्टिकल 2.5 सेंटीमीटर मीन पोजिशन से कितने समय में कवर करती है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो स्टार्ट वहीं से करना है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई की वैल्यू पता है, एम्पलीट्यूड हमने ऊपर से निकाल दिया, ओमेगा टी में ओमेगा हमने ऊपर से निकाल दिया, तो यहाँ से साइन टी अगर हाफ है तो टी ओमेगा टी क्या आएगा, पाई बाय 6, टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस इक्वेशन को यूज करना है, जैसे ये रहा रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू एम्पलीट्यूड निकाल लो, वाई और ए की रेशियो निकालो, जब कानेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन एस एच एम इज थ्राइज दी पोटेंशियल, कानेटिक थ्राइज पोटेंशियल, फॉर्मूला पुट किया सॉल्व करके वाई आ गया। जब हम काइनेटिक और पोटेंशियल की बात करेंगे तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये जो टर्म है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू के इंटू वाई स्क्वायर, के को बोलते हैं फोर्स कॉन्स्टेंट, फोर्स लिख लो, ये पूछा जाता है ये फोर्स कॉन्स्टेंट या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इज फोर्स कॉन्स्टेंट, मतलब पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ के वाई स्क्वायर, के में फोर्स कांस्टेंट है, जैसे अगर वो पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा ना आपको, पोटेंशियल की वैल्यू देगा वाई देगा आपसे फोर्स कांस्टेंट पूछेगा, तो ऐसे करना है, जैसे वो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपसे फोर्स कांस्टेंट पूछेगा तो ये पूछेगा के, ऐसे आपको टोटल एनर्जी दे देगा और फोर्स कांस्टेंट पूछ लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि के की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें आया हुआ है ये मेंस में। डैम्पिंग हट गई सिलेबस से तो 15-20 मिनट और बच गए हमारे लेक्चर के, नेक्स्ट है फिजिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, धागा लिया, मास लिया, मूव किया, सिंपल पेंडुलम। अब है फिजिकल पेंडुलम, लेकिन फिजिकल पेंडुलम से पहले आपको एक और काम करना है, फिजिकल पेंडुलम से पहले एक टॉपिक है एंगुलर एस एच एम। दो टाइप के एस एच एम है, लीनियर एस एच एम और एंगुलर एस एच एम। लीनियर एस एच एम क्या है, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है वो लीनियर एस एच एम है, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है, रोटेशन जैसे वो 2 and 4 याद है, वो डायपोल ऐसे मूव करता था, तो ये एंगुलर एस एच एम है। और एंगुलर एस एच एम के अंदर क्या होगा, एल्फा वाई ए की जगह एल्फा होगा, वाई की जगह थीटा होगा, तो क्या बनेगा, एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो एंगुलर एस एच एम में हम टॉर्क रिस्टोरिंग फोर्स ही निकालते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं। लीनियर एस एच एम में फोर्स निकलती है रिस्टोरिंग, एंगुलर एस एच एम में रिस्टोरिंग टॉर्क निकलता है, ये याद रहे। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालना है एंगुलर एस एच एम से, तो ये वेट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट पेंडुलम रोटेट करेगा, तो ये डिस्टेंस एल साइन थीटा है, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या, एल साइन थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, तो आई इसमें पॉइंट मास है तो एम एल स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, एंगुलर एस एच एम की इक्वेशन लिखी, कंपेयर करके ओमेगा आ गया,
ओमेगा 2 पाई बाय टी है और टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। याद नहीं करना, बता रहा हूँ कि कैसे एंगुलर एक्सेलरेशन में रिस्टोरिंग टॉर्क निकलते हैं। जैसे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल पेंडुलम। देखो जो फिजिकल पेंडुलम है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई भी रिंग डिस्क को एक नेल पे टांग दिया और टू एंड फ्रो मूव करवाया, वो एक फिजिकल पेंडुलम है। फिजिकल पेंडुलम में ये मान लो यहाँ से आपने टांग दिया, इसका सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, तो आपने इसको मूव करवाया तो देखो डी ऐसे था, डी ऐसे हो गया तो मोमेंट ऐसे हो गई। तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, एम जी, एम जी कॉस, एम जी साइन, तो फोर्स एम जी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस डी, तो इसका रिस्टोरिंग टॉर्क है, टॉर्क आई अल्फा। यहाँ से कंपेयर करके एंगुलर एसएच में प्रूव करके ओमेगा का ये फॉर्मूला नोट करो फिजिकल पेंडुलम का, एम जी डी बाई आई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ओमेगा का, एम जी डी बाई आई, वेयर डी लिख लेना इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सेंटर ऑफ मास, डी इज डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू एम जी डी बाय आई। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एम जी टी। ठीक है, फॉर्मूला नोट करो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा एक रिंग है, रिंग को नेल के ऊपर टांग दिया, मूव करवाया है फिजिकल पेंडुलम में, तो फिजिकल पेंडुलम में ओ और सेंटर ऑफ मास में डिस्टेंस कितने है आर, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एम जी डी, डी की जगह आर, और आई क्या होगा इसके अबाउट, आई क्या है एम आर स्क्वायर, तो इसके अबाउट क्या है एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट है टॉर्शनल पेंडुलम, धागा लो, डिस्क लो नीचे या कोई भी रॉड लो, इसको ऐसे मूव करवाओ जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें टॉर्शनल कांस्टेंट होता था, सेम टॉर्शनल पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड नोट करो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के, आई फॉर डिस्क जो भी नीचे बॉडी लटकी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और के का मतलब उसका टॉर्शनल कांस्टेंट, तो नोट करो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के। ठीक है, जैसे रॉड है, इस रॉड में क्या किया, ये रॉड है, ये यहां से टांग दिया, तो अगर यहां से टांग दिया तो ओमेगा क्या होगा एम जी डी बाई आई, डी क्या होगा ओ और सेंटर ऑफ मास पे डिस्टेंस कितना है एल बाई टू, और आई क्या होगा टेंजेंट के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई एस एच एम के अंदर बॉडी है और आपने फोर्स एफ वन लगाई जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन है, और एफ टू लगाई जब ओमेगा टू है, जब आपने इकट्ठी लगाई एफ वन एंड एफ टू, तो ओमेगा क्या होगा, ये क्वेश्चन है, और गिवन वाई एंड मास दोनों में सेम है। तो जब आपने पहली फोर्स एफ वन लगाई तो मास इंटू एक्सलेशन एम वन इंटू ओमेगा वन स्क्वायर वाई, जब सेकंड लगाई m2 into omega 2 square y, जब मिलके लगाई तो ऐड कर दिया, मिलके लगाने में y तो सेम ही रखना है, omega m omega कर लेना है, तो ये फॉर्मूला आ गया, omega को 2 by t कर सकते हैं, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आएगा 1 by t square 1 by t1 square 1 by t2 square, क्या जाता है सीधा मार्क करने को, तो ये करने को या ये करने को, दोनों में से एक आ जाएगा, अगर f1 और f2 अलग अलग लगाने के बजाय हम इकट्ठी फोर्स लगाते हैं f1 plus f2, ये फॉर्मूला आएगा, राइट। ये कर लिया पैरेलल है, ये कर लिया पैरेलल है, अगर स्प्रिंग के साथ एक इलास्टिक स्ट्रिंग लगी हुई है तो दोनों सीरीज में है, तो एक काम करते हैं वाई को के की फॉर्म में निकाल लेते हैं, हमने यंग मॉडुलस किया था ना फोर्स बाय डेल्टा एल बाय एल, और फोर्स बाय डेल्टा एल क्या होता है के, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आ गया इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, बस उसके बाद सीरीज में लगा दो के और वाई ए बाई एल को, और टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के में पुट कर दो, आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है, अगर आपका पेंडुलम मीन से एक्सट्रीम पे गया
कितना समय लगाया उसने टी बाई फोर, तो मीन से मिड पॉइंट में जाना है ए बाई टू, कितना समय लगाएगा, टी बाई फोर का आधा नहीं लिखना ना, इक्वेशन यूज करनी है, यहां तक ठीक है टी बाई फोर, पर इसके अंदर अगर आपको निकालना है टाइम तो इक्वेशन लिखें y की जगह a बाई टू, ए से a कैंसिल, साइन थीटा हाफ है, थीटा पाई बाई सिक्स है, ओमेगा टू पाई बाई टी है, टाइम की वैल्यू आएगी। तो यहां से हाफ जाने में टाइम पीरियड क्या लगेगा, टी बाई सिक्स, टी बाई ट्वेल्व। तो यहां से यहां लगेगा क्या लगेगा, टोटल टाइम टी बाई फोर है, टी बाई फोर में से टी बाई ट्वेल्व गया तो बचा, टी बाई फोर में से टी बाई ट्वेल्व गया तो आंसर आएगा टी बाई सिक्स। मतलब कैसे काम कर रहे हैं समझ में आ रहा है, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और दो मासेज हैं और इनको आपने हिला दिया तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला नोट करें, टू बाई रूट म्यू बाई के, वेयर म्यू इज एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू एंड इज नोन एज रिड्यूस मास ऑफ अ सिस्टम। म्यू इज एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू एंड इज नोन एज रिड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम। क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक ब्लॉक है M1 और उसके ऊपर M2, दोनों में फ्रिक्शन है, टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, आपको ये बताना कि मैक्सिमम ओमेगा क्या होगा कि M2 इसके ऊपर से स्लिप ना करे। M2 स्लिप कहाँ करेगा, जब ये मोशन में होगा। तो एक चीज़ याद रखनी है, एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला था ना मैग्नीट्यूड में, वो ओमेगा स्क्वायर वाई था, ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कब होगी, जो वाई की वैल्यू क्या होगी, एम्पलीट्यूड That is at extreme position. तो याद रखना acceleration कोई भी pendulum या spring mass system है, extreme position पर acceleration हमेशा क्या होगी, maximum, पर velocity क्या होगी, zero. Mean position पर velocity क्या होगी, maximum, acceleration क्या होगी, zero. ठीक है, तो याद रखना है, तो जब ये mass m1 बिल्कुल अपनी extreme पे आएगा M1, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है M2, तो ये पीछे भागने की कोशिश करेगा विद इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ये ना पीछे इधर जाने की कोशिश करेगा। उस चक्कर में इसके ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स, और सबसे ज्यादा सूडो फोर्स कब लगेगी, जब ये किस कौन सी पोजीशन पे होंगे, एक्सट्रीम पे, क्योंकि एक्सट्रीम पे इसकी एक्सेलरेशन मैक्स है, सूडो फोर्स मैक्स है, तो गिर सकता है पीछे, पर क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि फ्रिक्शन रोकेगा। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी हो जाए सूडो फोर्स से तो नहीं गिरेगा। तो ये देखो ये किया हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन सूडो फोर्स, ए मैक्स क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर, और एम टू की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू टाइम एम टू जी, सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा आंसर। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा, सूडो फोर्स का कंपेरिजन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से करना पड़ेगा हमें। जैसे सपोज एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पे मैन है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन है और सेंटर में मीन पोजीशन है, तो आप बताने इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा दोनों एक्सट्रीम्स पे। तो जब ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक्सट्रीम पे नीचे गिरने की कोशिश करेगा एक्सट्रीम पे, तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे आने की मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पे, तो सूडो फोर्स क्या लगेगी इसके ऊपर, मैक्स कितनी, एम इंटू ए मैक्स स्क्वायर, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन वन, और ये क्या है, एम वन जी, तो एन वन प्लस एम ए ओमेगा स्क्वायर इज एम जी, एन वन की वैल्यू कैन बी क्या। सिमिलरली लोअर एक्सट्रीम पे क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्सेस के ऊपर मैन के ऊपर नीचे लगेगी एम ए ओमेगा स्क्वायर, तो एंड तो इसमें सूडो फोर्स नीचे लगेगी तो n2 क्या होगा, mg प्लस ma ओमेगा। ठीक है यहां तक, ये इक्वेशंस है। तो इसमें दो एस एच एम्स हैं, वाई वन और वाई टू डिस्प्लेसमेंट्स हैं, वैसे क्वेश्चन नॉन मेडिकल का ज़्यादा है, फेज डिफरेंस बताना है इनकी वेलोसिटीज़ का।
पहला रूल, इसको डिफ्रेंशिएट करके पहले वी वन आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके पहले वी टू आएगा, एक साइन कॉस में आएगा, एक साइन माइनस साइन में आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके वी वन ये आ गया, कॉस में आ गया, मान लो मेडिकल रहने दें, नॉन मेडिकल सिर्फ निकाल देंगे। और इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी माइनस साइन में आ गई, पर एक प्रॉब्लम है क्योंकि पहला फंक्शन कॉस है, तो आप माइनस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब दोनों कॉस हो गए, कॉस एंड कॉस, तो कॉस एंड कॉस के एंगल्स को माइनस करके वेलोसिटी के फेज डिफरेंस की वैल्यू को निकाला जा सकता है। जब तक दोनों कॉस नहीं बनेंगे तब तक माइनस नहीं कर सकते, तो ये मैथ्स के लोग कर पाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस यूज करके वो कर लेंगे। ठीक, मेडिकल में तो मुश्किल है हमारा इसका। जैसे ही क्वेश्चन है मास एम इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम विद एम्पलीट्यूड ए, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक्स पे डिपेंडेंट है,
एक्स बताओ, अगर पोटेंशियल 1/3 काइनेटिक है, अगर एक्स को मैं ए पुट कर दूं तो पोटेंशियल मैक्स आ जाएगी, एक्स की वैल्यू ए मैक्सिमम होती है, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी नोन एज टोटल एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल का मतलब काइनेटिक जीरो, तो क्या बची टोटल, तो टोटल आ गई, टोटल में से पोटेंशियल को माइनस करो तो काइनेटिक आ गई, टोटल में से पोटेंशियल माइनस की काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल 1/3 काइनेटिक है, काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल गिवन है यहां से एक्स आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एक मास एम है स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, टू एंड फ्रो मूव करते हैं, जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, मैं इसके ऊपर एक जेंटली छोटा मास रख देता हूं, स्मॉल मास एम रख देता हूं, और मुझे बताना है इसका नया एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो जब मैं जेंटली रखता हूं तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एम वन वी वन एम टू वी टू, और कहां रखता हूं मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पर एम इंटू वी मैक्स, क्योंकि वेलोसिटी मैक्स होती है मीन पे, और जब स्मॉल एम को रखा तो टोटल मास एम प्लस एम इंटू वी मैक्स का डैश। तो वी मैक्स क्या होता है ए ओमेगा, नया वी मैक्स क्या होगा ए डैश ओमेगा डैश, ओमेगा क्या अंडर रूट ऑफ के बाय एम, पहले एक ही मास था अब दो मास है, तो सॉल्व करके ए डैश। तो लॉजिक क्लियर है यहां तक, डैम्पिंग नहीं करनी। जैसे कि तीन फंक्शंस हैं, इसका एम्पलीट्यूड निकालो तीनों का, तो क्या करना है इसमें, ये एसी का क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग करंट वाला, इसका एम्पलीट्यूड दो है, इसका चार, इसका छः, तो पहले इसको लिखो, टू साइन ओमेगा टी टू लिख लो, ये जो एम्पलीट्यूड फोर है लेकिन ये ओमेगा टी से आगे है बाय पाई बाय सिक्स, तो 30 डिग्री आगे, और ये सिक्स है और ये 60 डिग्री आगे, 2, 4, 6, 30 और 60। अब कॉम्पोनेंट्स ऑफ वैक्टर ड्रॉ करें, 4 का कॉम्पोनेंट 4 cos 30, 4 sin 30, 6 का कॉम्पोनेंट 6 cos 60, 6 sin 60, ये रहा। तो नेट वेक्टर निकाल लेना, नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तरीका बता रहा हूं मैं कैसे तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लो एक स्प्रिंग है और एक मास, वो स्लाइड कर रहा है मास, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k, पर अगर स्लाइड नहीं कर रहा फिर रोल कर रहा है रोल, तो फिर वो फॉर्मूला मत लगाना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। किसी भी इंस्टेंट पर स्प्रिंग की एक्सपेंशन क्या x है, तो एनर्जी क्या हाफ के x स्क्वायर है, और रोलिंग में क्या है हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है, क्योंकि ये स्फीयर है तो 2/5 होगा। तो सॉल्व करके टोटल एनर्जी आ गई, मेडिकल में नहीं आएगा, नॉन मेडिकल ओनली, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में ये वेलोसिटी आ जाएगी और ये एक्सीलरेशन आ जाएगी, v और v कैंसिल, तो एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, SHM की इक्वेशन कंपेयर करके ओमेगा से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। अगेन मैं कह रहा हूं मेडिकल में नहीं आएगा, ओनली फॉर नॉन मेडिकल। नेक्स्ट है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी पोटेंशियल इंस्टेंटेनियस है, हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है, पर आपको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकलेगी, एवरेज ऐसे निकलेगी, याद है एवरेज वैल्यू ऑफ AC कैसे निकलती थी, I dt by integration of dt, ये average energy dt by integration of dt, इसे अगर integrate करें तो average energy का formula note करें, ये रहा average potential energy and average kinetic energy का same formula है, average potential energy and average kinetic energy का formula बिल्कुल same है, ये note करें, half m omega square into a square, ये लिखें। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है टाइम पीरियड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में देगा कि अगर कोई भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी है, तो इसका टाइम पीरियड टी है डिस्प्लेसमेंट का, तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे टी बाई टू, काइनेटिक पोटेंशियल का टाइम पीरियड टी बाई टू होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का टी होता है, याद रखें टी बाई टू टी बाई टू। ये ग्राफ से आया है क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ग्राफ फॉलो करता है आपका जो काइनेटिक और पोटेंशियल है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मैथ फाइल लोग जानते हैं, टी बाई टू पे रिपीट करते हैं, ठीक है।
मैंने करवाया था कि अगर एक अर्थ के सेंटर से टनल डिग कर दें डायमीटर के क्रॉस, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या करवाया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई, चेक कर लो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, या फिर लिखो वहीं पे और ओमेगा का ये फॉर्मूला एक ही बात है, क्योंकि कैपिटल जी एम को आप स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ये लिख लो फिर भी। और अगर आपकी टनल डायमीटर के क्रॉस नहीं है, कॉर्ड है एक अर्थ की, तो भी आंसर विल रिमेन सेम, मतलब आप लिख लें चाहे डायमीटर है चाहे कॉर्ड है, आंसर सेम ही रहेगा। बॉल को अगर फेंकेंगे तो टनल के आस के मिड में जाके वो टू एंड फ्रो मूव करेगी, तो टाइम पीरियड और ओमेगा ये फॉर्मूला फॉलो करेगी। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? बहुत बहुत क्वेश्चंस पर भाई यार, बहुत बड़ी कलेक्शन है एसएचएम की, इसको बुकलेट को फॉलो करना चाहिए आपको, बहुत क्वेश्चंस है इसमें। चलो स्प्रिंग में दो, ये रॉड है, आपने रॉड को ऐसे कर दिया छीटा छीटा ऐसे और छोड़ दिया, तो ये एंगुलर एसएचएम में होगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो जब ये स्प्रिंग नीचे जाएगा बाय डिस्टेंस ऑफ वाई, तो उस केस में क्या, अच्छा सॉरी ऊपर जाएगा बाय डिस्टेंस ऑफ वाई, ऐसे किया है तो एक्सपेंशन हो जाएगी वाई, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स है के वाई, रिस्टोरिंग फोर्स है के वाई, ऐसे ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर जाएगी के वाई, तो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन होगा, ये रोटेशनल मोशन है, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के वाई इंटू एल बाई टू, और यहाँ पर क्या होगा के वाई इंटू एल बाई टू, ये रहा, और वाई की जगह क्या पुट करेंगे, एंगल इज आर्क बाई रेडियस वाई बाई एल बाई टू, तो वाई की वैल्यू को यहाँ पुट करके आई क्या है एम एल स्क्वेयर बाई 12, यहाँ से एल्फा और थीटा का रिलेशन निकाल के एंगुलर एस एच एम की इक्वेशन से कंपेयर करके ओमेगा एंड टाइम पीरियड कैन बी। तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन आए ना आए मुझे पता नहीं, पर इस तरीके से कर सकते हैं। इससे आसान क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई 2 के वन प्लस के टू, राइट, डन, डी। इसका किसका डी है? हाँ ठीक है, देखो तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें ये 30 किसी भी इंस्टेंट पर, इसका प्रोजेक्शन आपको एक्स एक्सिस पे निकालना है, ये निकालना है एक्स, तो स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है ओमेगा टी, ये क्या है एम्पलीट्यूड आर, तो एक्स डिवाइडेड बाय आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 30, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 30, आंसर आंसर पाई पाई से कर लेना। नेक्स्ट
आर कॉस ओमेगा टी प्लस 30 बी आंसर है बी। देखो इसमें वो साफ कह ही रहा है, डिस्प्लेस इक्वेशन वो आपको दे रहा है, एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है ए बाय टू, ए साइन ऑफ कब जब टाइम क्या है जीरो, सॉल्व कर लो साइन डेल्टा हाफ आ गया, डेल्टा पाई बाय सिक्स आ गया, डन। ए तो मजाक ही हो गया ना, अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर रूट टू आंसर। नेक्स्ट आंसर डी, डी काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है एट मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पे तो जीरो हो जाती है, तो मीन पे मैक्स है, कांस्टेंट हो नहीं सकती, स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनना है, कॉस स्क्वायर का बनना है, बनना ही कर्व है, बन नहीं सकता कॉस स्क्वायर का ग्राफ, तो ये रहा डी। बी है पोटेंशियल काइनेटिक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की जगह पुट कर लेना कितना ए बाई टू, डिस्प्लेसमेंट हाफ द एम्पलीट्यूड, यहां पर भी रेशियो निकाल लो आंसर। ठीक है क्लियर है। टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड पोटेंशियल क्या बोलते हैं उसे, काइनेटिक। तो फिर से काइनेटिक का ग्राफ है, ए मीन पोजीशन पर मैक्सिमम आंसर। यकीन सा नहीं हो रहा ना, स्कूल का पर ज्यादा टफ था प्लस वन का। सी कि हमने काइनेटिक एंड पोटेंशियल इक्वल करके वाई इक्वल टू ए बाई रूट टू, शीट का ही क्वेश्चन था अभी। नेक्स्ट
कौन सा सी सी का मतलब ए करेक्ट है रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट हाँ एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन में बिल्कुल ठीक है एक्सीलरेशन मिनिमम एक्सट्रीम पे गलत है मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पे ए बी सी आंसर सही है नेक्स्ट पेन भी हाथ नहीं लगाया ऐसी चल रही है कहानी पेपर तो ऐसा हो सी तो टाइम पीरियड टी की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी तो टी स्क्वायर और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन आंसर ए इज नॉट करेक्ट क्यों नहीं है
देखो जो टाइम पीरियड होता है टी की वैल्यू जो है इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या होगा, जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, बढ़ने का मतलब टाइम पीरियड पेंड स्लो हो जाएगा। तो ठीक है फिर आपका स्टेटमेंट सी सही है। ठीक है तो ये तो सही नहीं है, फास्ट बोल रहा है और ये सही है। नेक्स्ट डी है, कैसे किया तुमने प्रोडक्ट, अच्छा जी बाय फोर। ठीक है तो तुमने क्या किया इसमें, फॉर्मूला क्या लगाया, क्योंकि आपको सरफेस ऑफ अर्थ से आर डिस्टेंस ऊपर जाना है, तो आर डिस्टेंस ऊपर जाने का मतलब है ये फॉर्मूला लगाना है जी डैश का, शॉर्टकट मत लगाना, आर बहुत हाइट होती है। तो जी डैश आ गया, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाई जी, एल बाई जी डैश, तो टी डैश और टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक है आंसर, नेक्स्ट क्या फॉर्मूला लगेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। अर्थ के अंदर वो टनल डिक करते हैं डायमीटर, ये फेयर बोल रहे हैं, एक ही बात है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर बाई जी का आंसर आएगा सीधा। चार सेकेंड, क्या करेंगे इसमें, पार्टिकल माइनस ए और ए के बीच में मूव कर रहे हैं, इफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम एक्स जीरो टू ए बाई टू इज 2 सेकेंड। तो पहले काम करेंगे और ए बाई टू से ए निकालना है कोई बात नहीं, पहले आप ए बाई टू वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पुट कर दो, और ए बाई टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ से टी निकाल लो, 24 सेकेंड आ गया। टाइम पीरियड का मतलब है पूरे चक्कर का टाइम, तो पूरे चक्कर का टाइम अगर 24 सेकंड है तो यहां से यहां आने का टाइम क्या होगा, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे t by 4 यानी कि 6 सेकंड। अब वो कह रहा है कि यहां से मिड पॉइंट में आने के 2 सेकंड है, तो यहां जाने का टाइम क्या होगा, 6 में से 2 गया 4 सेकंड। ठीक है डी, फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम, तो एक बार एम 1 केजी, एक बार एम 2 केजी, तो निकाल लेना ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 अंडर रूट ऑफ इनवर्सली, ए नहीं आएगा डी आएगा, हाँ ओमेगा 2 बाय ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। ठीक है तो के बाय एम, एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। ठीक है डी हो गया।
क्या क्वेश्चन है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 25 जूल. क्या गिवन है? टोटल एनर्जी 25 है. तो एट ए बाई टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी? तो हो गया ना आंसर. ठीक है, तो काइनेटिक की वैल्यू तो गिवन ही है इसमें आपको. टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ये तो है 25. आपको क्या निकालनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये आपको निकालनी है. तो यहाँ सॉल्व करें इस वैल्यू को 25 पुट करके, आंसर ए आंसर आ जाएगा. ठीक है आंसर. नेक्स्ट टाइम पीरियड की रेशियो निकालनी है. इसका टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2π√3m/2k, इसके लिए m/3k, दोनों पैरेलल पैरेलल है. लॉजिक ये है, सिंपल पेंडुलम जब टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा ना, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन है और ये वेट क्या है? एम जी. तो यहाँ वेलोसिटी क्या है? मैक्स. तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी मैक्स माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय एल. तो यहाँ से टी मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड और वी मैक्स की वैल्यू जब चाहिए होगी तो पुट कर लेना ए ओमेगा. अब आंसर आएगा, टी मैक्स निकाल लेना, कंपेयर करके आंसर आएगा. मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? क्या आंसर है इसका, कैसे होगा? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, आंसर आया वैसे इसका, आ गया. नेक्स्ट आसान है, फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर आपको एक्सेलरेशन मैक्स कर दूं तो फोर्स भी मैक्स है. तो आंसर एम इनटू ए इनटू ओमेगा का स्क्वायर. तो आपको गिवन है एम ए, ओमेगा क्या है? 2π/ टाइम पीरियड का स्क्वायर. करो सॉल्व आंसर. टोटल फॉर्मूला बेस्ड है.
कहीं इस साल का पेपर भी ऐसा आ गया तो बढ़िया से ना प्लस टू की एनसीईआरटी कर जाओ। सही कह रहा हूँ मैं आपको, बात बन जाएगी इसी में। तो इसलिए कह रहा हूँ बार बार, जितने प्री बोर्ड दे रहे हो अच्छा ही है आपके लिए। न्यूमेरिकल कर लो, कहीं डेरिवेशन रट्टा मार मार के जाइए आ रहे हो फिर कोई फायदा नहीं है। न्यूमेरिकल आने चाहिए बेसिक्स, ठीक है। सर इसका आंसर क्या है? तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू इसमें 40 है और काइनेटिक एनर्जी इतनी है, द वैल्यू ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू इसके इक्वल है, तो एक्स निकालो। तो एक काम करो, पहले ना वाई इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करो, 0.40 कॉस ऑफ 30। तो यहाँ से वाई आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 200 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई हम निकाल चुके हैं, ये रहा ए, ऑलरेडी हमें पता है क्वेश्चन में। इसको क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, के निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है ना। तो यहां से जो आंसर आएगा कितना आ रहा है, 4, ठीक है। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या निकालना है, वाई निकालना है। काइनेटिक एनर्जी 25% ज्यादा है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 125, 100 पोटेंशियल का फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर निकाल लेना। इसमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू आपको पता है, वाई आपको निकालना है। ठीक है, कितना आ रहा है, चेक करो, 113 का आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट। तो ब्लॉक इज फास्टन टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट। एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। कौन सी एनर्जी है ये, ना लिख रहा है पोटेंशियल, ना लिख रहा है काइनेटिक, तो ये कौन सी हुई, टोटल, टोटल एनर्जी दिख रहा है। तो इसमें ये टोटल एनर्जी है। अब टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। तो 0.25 इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये टर्म क्या है, के, 0.25 हाफ के निकालना है।
और एम्पलीट्यूड गिवन है इसमें ये रहा 10 सेंटीमीटर, 0.10 का स्क्वायर आंसर के निकाल लेना। तो ये मत पुट करना इसमें 5 कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि टोटल में क्या पुट किया जाता है एम्पलीट्यूड, जानबूझ के आप 5 दे रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई, टी इक्वल टू 2π√m/2k, निकाल लेना आंसर। तो दो इक्वेशन बनेंगी इसमें, m अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM विद टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2π√1m/k, टाइम पीरियड क्या है 1, 2π√m/k, दूसरे केस में क्या होगा टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो गई 1 सेकेंड इंक्रीज, तो 2π√m/3π/k, इन्हें डिवाइड करके आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको?